दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे 2000 यहाँ पे मैंने लोन अप्लाई किया और मुझे इंस्टेंट यहाँ पे मिला हुआ है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे डेट 5 फरवरी 2022 है और आप यहाँ पे देख पा रहे हो 2000 रुपये का जो लोन है वो मुझे 2 मंथ में यहाँ पे पेमेंट करना है, राइट। उसके साथ 1 महीने का जो EMI आएगा वो 1045 रुपये आएगा, यानी कि 3% इंटरेस्ट के साथ में, और 364 रुपये हमारे प्रोसेसिंग फीस लगेंगे। अगर मैं कैलकुलेशन यहाँ पे करता हूँ कि 1045 रुपये जो हमारे 1 महीने में देना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करते हैं तो 2090 रुपये मुझे यहाँ पे फाइनली रीपेमेंट करना है। दोस्तों इससे पहले भी लोन लिया था, इसका डेट भी आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 10 दिसंबर 2021 है और उसी टाइम में मैंने लिया था 7500 रुपये का लोन, जिसे हमें 3 महीने में पेमेंट करना था। 708 रुपये इसकी प्रोसेसिंग फीस 3% इंटरेस्ट रेट के साथ में, और आप यहाँ पे देख पा रहे 2651 रुपये मुझे प्रति महीने इसका EMI को भरना था। दोस्तों फाइनली इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आपका एज 18 साल का है और आपके पास अगर पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर दो ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे स्टेंट आपको लोन मिलता है। अब जो लोग पिछले वीडियो में 18 साल के ऊपर मैंने एक और भी वीडियो बनाया था, वो भी एप्लीकेशन क्विकली लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन उसमें काफी लोगों का कहना ये भी था कि भाई लोन तो सही है, सही समय पे दे रहा है, लेकिन 7 दिन के वैलिड के साथ दे रहा है, यार 7 दिन में क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बहुत ही आपका एज जो है, मतलब 18 साल की एक तो कंपनी दे रही है, 18 साल के एज में अगर फर्स्ट टाइम आप लोन ले रहे हो, कंपनी जो है रिस्क की वजह से, मैंने खुद ही बात किया है, कंपनी रिस्क के वजह से जो है आपको मिनिमम टाइम देता है। अगर फर्स्ट पेमेंट अगर टाइम पे अगर आप पेमेंट करते हो तो नेक्स्ट टाइम जो है 91 डेज आपको मिलेगा, क्योंकि कंपनी में ऐसा, मतलब मैंने कस्टमर से बात किया, उसमें टाइम टू टाइम मैंने बताया है कि कैसे आप कॉल कर सकते हैं। उन्होंने कहा देखिए इतने सारे पैसे मतलब फंस चुके हैं जिसको हम कह नहीं सकते, इसी की वजह से शॉर्ट टाइम मिल रहा है। जब फर्स्ट टाइम अगर पेमेंट फाइनल करते हो तो सेकंड टाइम में आपको लॉन्ग टाइम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि 3 महीने 2 महीने के लिए डिफॉल्ट है, अब इसको कुछ टेंशन लेना ही नहीं है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कोई भी लोन यहाँ पे ले सकता है, चाहे वो सैलरी हो, सेल्फ हो, घर पे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते, सब कुछ मैं यहाँ पे लाइव दिखाने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिएगा, और हाँ मैं इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किस तरह से भी डाउट है, कुछ भी अगर पूछना चाह रहे हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन के, मतलब यहाँ पे मैं गूगल प्ले स्टोर पे आया हूँ, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये एक्चुअल में ये कंपनी कौन सी है और आपकी मैक्सिमम लोन कितना दे सकता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो पर्सनल लोन का जो रेंज है वो 4000 रुपये से लेकर के 1,00,000 रुपये तक को यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन आपने एप्लीकेशन के अंदर में देखा मुझे 2000 रुपये लोन मिला है। उसके कारण दोस्तों यही है यहाँ भी कि इन्होंने अभी रिस्क के वजह से और ज़्यादा पेमेंट फंसने की वजह से यहाँ पे एक्चुअल जो लाइव में जो अभी चल रहा है उसमें पेमेंट आपको कम मिल रहा है। डाउन भरी मैं आपको बताऊंगा कि आप मैक्सिमम लोन भी कैसे ले सकते हैं, यहाँ भी कंपनी का पॉलिसी है वो एप्लीकेशन के अंदर में लाइव बताएगा। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप जो है लोन अगर आप 40,000 रुपये लेते हो 12 महीने के लिए तो आपको 750 रुपये यानी 750 रुपीज आपके जो है मेन अकाउंट से, यानी कि इस 40,000 में से डेबिट होंगे, बाकी पैसे आपके अकाउंट में जाएगा। और आपको मैं बता दूं यहाँ पे टोटल जो इनका लोन होगा, ये कह रहे हैं ऐसे कि 40,000 लेने से क्या होगा आपका और कितना इंटरेस्ट लगेगा, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। और आपका जो EMI आएगा 3744 रुपये आएंगे, रीपेमेंट करते तक आपको 45,678 रुपये आपको रिटर्न में देने होंगे। बाकी के यहाँ पे जो दोस्तों ये है, यहाँ पे लोन की जो टोटल जो कॉस्ट है जो आपका वो 750 रुपये और आपका यहाँ पे 4925 रुपये, अगर ये आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये दोनों प्राइस मिलकर के यहाँ पे हो जाता है 5678 रुपये, जो आपके ओवरऑल आपके जो है इस अमाउंट पे लगता है। आप यहाँ पे देखिए सैलरी और सेल्फ एम्प्लॉय कोई भी यहाँ पे ले सकता है, यू मस्ट बी रजिस्टर्ड इन इंडिया, मतलब आप इंडियन होनी चाहिए। दूसरे यहाँ पे नो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट, मतलब सैलरी क्या कुछ भी नहीं है, मैंने सैलरी डाला ही नहीं था, मतलब एंड्रॉइड फोन होना चाहिए वो तो कॉमन है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक अकाउंट होना चाहिए, इनफ आपको यहाँ पे दोस्तों लोन मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो एप्लीकेशन का नाम है इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप स्मार्ट क्वीन, जो यहाँ पे फाइनेंशियल जो देख रहा है वो खुद भी इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप जो है स्मार्ट क्वीन ही है, जो इसके बिहाइंड में जो चल रहा है, जो लोन आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर इसकी हम रेटिंग की बात करें, डाउनलोडिंग की बात करें, तो भी एकदम जबरदस्त है, 5 मिलियन+ इसका डाउनलोडिंग है और यहाँ पे 4.4 की रेटिंग है, मतलब कि बहुत ही अच्छा रेटिंग दोस्तों आप इसे कह सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको एप्लीकेशन का नाम मालूम हो गया।
अब मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करने का प्रोसेस और साथ में जो मैंने बोला है कि लिमिट को कैसे इंस्टेंट इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं हम फाइनली स्क्रीन पे और फिर देखते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोडिंग करने के बाद में आपके सामने फर्स्ट यहाँ पे ये वाली है पेज आएंगे, देन आरेट आप यहाँ पे साइन अप पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पे जो नाम डालना है एज पर आधार कार्ड के हिसाब से आपके नाम की स्पेलिंग होनी चाहिए। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है वो होना चाहिए। यहाँ पे रेफरल कोड आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप लेते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट है तो रेफरल कोड अगर यूज कर सकते हैं तो जरूर यूज कीजिएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी डाउनलोडिंग कर सकते हैं विदाउट, आप यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शनल है, आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, लेकिन अगर रेफरल कोड अगर यूज करते हो तो आपके लिए शायद कुछ मिलने के चांस है। देन आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, आपको ओके पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। बाद यहाँ पे जो भी अलाउ करने के लिए कहेगा वो आप अलाउ कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे गूगल के अकाउंट के साथ जीमेल आईडी के साथ आपको यहाँ पे दोस्तों साइन अप करना है। देन आपके सामने आएगा, आपको अपने डेट ऑफ बर्थ डालिए, अपने जेंडर सेलेक्ट कीजिए, करेंट जो आप एड्रेस है वो सेलेक्ट कीजिए और उसका पिन कोड आप जहाँ पर जो करेंट में हो वहाँ की पिन कोड यहाँ पे डालिए। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक पासवर्ड को क्रिएट कीजिए, पासवर्ड को कन्फर्म कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी एक और भी यहाँ पे बेनिफिट ये है कि इस कंपनी से अगर आप लोन लेते हो तो आपकी यहाँ पे सिबिल स्कोर जो है इंस्टेंट इंप्रूव होगा जब आप इसे रीपेमेंट करते हैं। कंग्रेचुलेशन, आपको यहीं पे मालूम चल जाएगा कि आपको यहाँ पे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, देन आपके सामने यहाँ पे लोन लेने की रीजन आएगी और यहाँ पे आपको अभी कितना मिल रहा है वो आपको उसी टाइम में पता चल जाएगा। था मुझे अभी रिसेंटली यहाँ पे 2000 मिला हुआ है। यहाँ पे अगर इंश्योरेंस वाली जो यहाँ पे एक बटन देख रहे हो इसे अगर आप क्लिक अनक्लिक करते हो तो यहाँ से जो 6.42 रुपये है वो यहाँ से हट जाएंगे। यहाँ पे आप रीजन जो सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे रीजन है कि आप लोन किस लिए ले रहे हो, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद अप्लाई पे आपको यहाँ पे लोन एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। देन आपके सामने यहाँ पे देखिए 2 मंथ के लिए यहाँ पे आ रहा है 2000 रुपये मुझे जो मिला है। उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे लोन एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट ऐड करना और केवाईसी करना है, 2 मिनट का रहेगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई जब आपने ऑलरेडी पहले ले लिया था तो यहाँ पे फिर से बैंक अकाउंट क्यों कर रहा था, तो मैंने अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कराया क्योंकि मैं एक वीडियो बनाता हूँ, मैं एक क्रिएटर, लेकिन जो मेरी डाटा वो वहाँ पे शो कर रहा है आपको। देन फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मुझे अभी बैंक ऐड करना है और ये जो पैसा इंस्टेंट 5 फरवरी 2022 जो मैंने आज ही अप्लाई किया है। तो मैंने आपको बताया था कि आप जो इंस्टेंट अमाउंट को आप इंक्रीज कर सकते हो, अपने लोन अमाउंट को बढ़ा कर सकते हो, वो यहाँ पे कंपनी खुद ही कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो आप जो है आप जो अनलॉक ऑफर मतलब लोन को आप इंक्रीज कर सकते हो, इसके लिए आप क्या है 3 महीने के लास्ट 3 मंथ के बैंक स्टेटमेंट अगर आप यहाँ पे अपलोड करते हो तो आप इजी जो है यहाँ पे आप अपने लोन के अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हो। साथ में यहाँ पे एक और भी फीचर जो फ्री, यहाँ से दोस्तों आप जो है आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी इनसे कर सकते हो, जो लाइव चैट उनकी जो टाइमिंग है 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक की है। आई होप गाइस कि वीडियो में जो भी बताया है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किस तरह से डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल के आने वाली वीडियो आपने मिस कर पाए। मिलते हैं ऐसी क्वेश्चनदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।